डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और कविता ब्यूज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के अगस्त मुनि शहर से हो रही है। और आज हम अगस्त मुनि में हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कहाँ, काली मठ के लिए। तो आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे पहले हम धारी देवी गए और धारी देवी में ही अचानक हमारा ये प्रोग्राम बना काली मठ जाने का। शायद माता का बुलावा था, वो भी रोशनी के साथ जाने का। तो अभी हम निकल रहे हैं काली मठ के लिए। तो आप लोग भी मनाना है, हाँ, तो घूम रहे हैं, छुट्टी में छुट्टियां मना रहे हैं और अचानक का प्रोग्राम हाँ, एकदम से बन जाता है, सक्सेस हो ही जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं काली मठ, तो काली मठ का आप लोगों को काली मठ के दर्शन कराएंगे और कहाँ कहाँ जाते हैं ये आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में यूं ही बने रहना। अभी निकलते हैं हम अगस्त मुनि से काली मठ की ओर, अपने सुहाने और अच्छे सफर की ओर, हसीन वादियों के बीच, वही तो हसीन वादियों के बीच में। और ये है अगस्त है, गर्मी यहाँ भी बहुत है, यहाँ भी बहुत गर्म हो रहा है। हमने सोचा था यहाँ ठंडी ठंडी हवाएँ होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगस्त मुनि में भी काफ़ी गर्मी है। और अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और निकलते हैं काली मठ की ओर। तो आप लोगों को आज हम दर्शन कराने वाले हैं काली माता के। कुछ बोल रही थी तो बोली काली माता के, यहाँ के वही बोली। हम लोग जा रहे हैं काली मठ माता रानी के दरबार में और आप यूं ही बने रहना और दर्शन भी आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। तो चलिए आगे के सफर में। डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। पहुंच चुके हैं हम काली मठ के आधे रास्ते में और यहाँ से काली मठ की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। और देख सकते हैं यहाँ सुंदर सी नदी बह रही है और यहाँ से हमको मात्र 4 किलोमीटर जाना है। ये देखिए सामने पे लगा हुआ है 4 किलोमीटर का वो, और यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर है। तो निकलेंगे अपने सुहाने से सफ़र में अपनी मंजिल की ओर। तो चलते हैं आगे की ओर। डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर। कालीमठ जाने से पहले पड़ता है भैरवनाथ का मंदिर और इसके बाद जाएंगे हम कालीमठ की ओर। सबसे पहले कर लेते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन, उसके बाद बढ़ेंगे कालीमठ की ओर। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम कालीमठ के बहुत नज़दीक, सामने पे देख सकते हैं हमने यहाँ होते हुए जाना है। ठीक सामने पे है काली माता का मंदिर, यानी कि कालीमठ में काली माता का मंदिर, और सामने पे बह रही है नीचे नदी। तो वहीं हमको जाना है, इस रास्ते होते हुए मंदिर की ओर जाना है। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे पे प्रसाद की दुकान, वहाँ से ले लेते हैं हम प्रसाद। प्रसाद ले लिया? ये देखिए ठीक सामने पे है प्रसादों की दुकान और यहाँ से पहले हम माता के लिए ले लेते हैं चुनरी और प्रसाद, तब बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ से ले लिया मैंने प्रसाद की थाली और निकलते हैं सीधा मंदिर की ओर। और रोशनी ने भी ले लिया इधर प्रसाद की थाली। और ये जो ब्लैक कपड़ा दिख रहा है ये भैरव देवता का वस्त्र है। तो वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर भी है, तो इसलिए हम भैरव बाबा के लिए भी ले चलेंगे वस्त्र। रोशनी और मैं पहुंच चुके हैं मंदिर के काफी समीप और कुछ लोग छूट गए हैं पीछे, तो इंतजार कर लेते हैं उन लोगों का यहाँ पे। और यहाँ देखिए सुंदर सा पुल बना हुआ है, और जब मैं बहुत पहले यहाँ पे आई थी तब ये पुल नहीं था, तब हम नदी के रास्ते कच्चे पुल से पार होके गए थे। तो ये नया रास्ता बना है, हाय तेरे आने में था। तो जब रोशनी आई थी तो तब बन चुका था पुल, लेकिन जब मैं आई थी तब ये पुल नहीं था, नदी के रास्ते गए थे हम कच्चे रास्ते।
और अब बहुत सुंदर पुल बनी है, देखो मंदिरी तक। और देखिए पहुंच चुके हैं हम काली माता के मंदिर में और अभी बाहर प्रांगण में खड़े हैं और सर्वप्रथम कर लेते हैं दर्शन काली माता के। तो बोलो काली माता की जय। और ये है काली मठ का काली का मंदिर जिस प्रांगण में हम अभी पहुंच चुके हैं और अब पहुंचने के बाद चलेंगे अंदर की ओर और कर लेंगे सब सर्वप्रथम पूजा पाठ। बढ़ते हैं आगे की ओर। जय हो काली माता। और ये सामने पे दिखाई दे रहा है हमारे पहाड़ का वाद्य यंत्र, बिना इसके पूजा पाठ या शुभ कार्य कुछ भी नहीं होता है। और पहुंच चुके हैं हम काली माता के मंदिर में और ये देखिए कुछ इस तरीके का मंदिर है। सामने पे माता की जटाएं दिखाई दे रही है, ये है रोशनी, वो क्या है माता का धड़ ऊपर है, माता नीचे है, नीचे कुंड है, उसके नीचे माता जी है, ये ऊपर ऐसी लाठ जैसी टकी हुई है, रियल मायने में माता जी धरती के नीचे है। गए हैं और पंडित जी से करवा लेते हैं मंदिर में पूजा। सारे देवता लोग रक्त बीज नाम का असुर, उसके भय से सारे देवता लोग यहाँ आकर के छुप गए और यहाँ पर उन्होंने भगवती महाकाली की उपासना की। भगवती महाकाली देवताओं की उपासना से बड़ी प्रसन्न हो जाती है और देवताओं को आकाशवाणी होती है कि देवताओं आप निर्भय रहिए, मैं इस स्थान में आकर के तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करूँगी। अंतर यहाँ पर एक प्रकाश का पुण्य गिरता है और उसमें भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों शक्तियों का एक साथ यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। तंत्र भगवती महाकाली और रक्तबीज के नाम का जो असुर था उसका भगवती का और रक्तबीज का घोर युद्ध होता है। तंत्र भगवती महाकाली रक्तबीज का वध करती है और रक्तबीज का वध करने के बाद चंड मुंड सुमन सुम महिषास आदि राक्षसों का वध कर देती है और देवताओं को अभिष्ट वरदान देती है कि देवताओं जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा इस स्थान में आकर के मेरा पूजन करना, मेरा ध्यान करना, मैं तुम्हारी सारी मनोरथ पूर्ण करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हे देवगणों तुम जिस कार्य के लिए मेरा आह्वान करोगे मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा वरदान देने के बाद भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों रूपों में भगवती ही सामने गर्भगृह में अंतर्धान हो जाती है और सदैव हिमालय की सिद्धपीठ कालीमठ में निवास करते हैं। यह स्थान भगवती का सर्वोपरि सिद्धपीठ है और भगवती यहाँ पर सरस्वती पितरों के उद्धार हेतु तर्पण करें, फिर भगवती महाकाली का पूजन करें तो भगवती सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली, अभय वरदान देने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली ऐसी जगदम्बा भगवती सदैव यहाँ पर विराजमान है। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, आप सबके घर में भगवती सबकी रक्षा करे, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। पूर्व जगत जननी काली मैया की जय। ये यहाँ पे अखंड धुनि जलती है ये देखिए और इसकी विभूत बच्चों के लिए लगाई जाती है और यहाँ से ले जाई जाती है और यहाँ पे हमेशा ये धुनी जलती है और यहाँ पे अभी पूजा हो रही है। और यहाँ पे है गौरी शंकर का मंदिर और यहाँ पे भी कर लेते हैं दर्शन महासरस्वती का मंदिर। यहाँ पे है महासरस्वती सामने पे विराजमान है
जय हो भगवान माँ सरस्वती। ये सामने पे है गौरी शंकर का मंदिर, जय हो माँ गौरी शंकर प्रभु। और ये है सुंदर सा नज़ारा काली मठ का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, और बहुत सुंदर मंदिर है, और अच्छे से दर्शन भी हो गए और ढंग से पूजा पाठ भी हो चुकी है हमारी। ये देखिए कुछ इस तरीके का है। शिवाय च शिवतराय च नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं शिवर्धनं वः दुर्भारुकं इव बन्दरः तृतीयोर्मुखीयमहां निदातः त्र्यम्बकाय नमो मृत्युञ्जयाय नमः महाङ्काय नमो नमः। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर भगवान भैरवनाथ जी को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। लाया गया है वस्त्र भैरवनाथ जी के लिए। इधर आ जाओ, इसको सर के ऊपर घुमाना। अच्छा घुमाइए, इस तरीके से घुमाना है। पीछे की तरफ जो बह रही है वो सरस्वती नदी है, और सरस्वती नदी का आपको ध्यान होगा कि हमने सिर्फ बद्रीनाथ में देखा था, उसके बाद हमें यहाँ पर नज़र आ रही है सरस्वती माता जी। कहा जाता है कि इस नदी में अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति भी की जाती है, तर्पण दान किए जाते हैं, तो सभी जो अधिकतर श्रद्धालु यहाँ पे पितृ विसर्जन के लिए भी आते हैं। और नवरात्रों में माता का दरबार सभी भक्तों के लिए मुख्यतः जोरों शोरों से खुला हुआ रहता है, और कहते हैं कि 12 महीने माता रानी के दरबार में भक्तों के लिए प्रवेश खुला ही रहता है। और यहाँ पे भैरव बाबा जी का मंदिर भी है, जिसके दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए हैं। आज का दिन बहुत ही सुखद रहा, क्योंकि माता रानी के तीनों रूपों का दर्शन हमें इस स्थान पर प्राप्त हुआ, साथ में भैरव बाबा जी के दर्शन भी हुए। भगवान माता का आशीर्वाद, माँ काली का आशीर्वाद सभी भक्तों पर ऐसे ही बना रहे। सभी भक्त यहाँ पर आए अपनी मनोकामना लेकर के, और उनको मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करें। आ चुके हैं हम काली मठ से माता के दर्शन करके, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। आज शायद माता ने हमें बुलाया था कि जो इतने अच्छे दर्शन और इतनी अच्छी पूजा हुई। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीजें लेकर के। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय माँ काली, जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा।